एलन में न्यू व्लॉग। अभी मैं हूँ मेरी छत पे और मेरा थोड़ा कुछ काम था, इसलिए मैं सोची कि मैं व्लॉग भी बना लूँ। और अभी आप सभी को दिखा रही हूँ, मेरा पीछे में जो खेत है कितना सुंदर लग रहा है, हरा भरा हुआ है पूरा खेत। और आज से मैं डिसाइड कर चुकी हूँ कि मैं आज से मैं देने वाली हूँ आप सभी को डेली व्लॉग। तो मेरा डेली जो रूटीन व्लॉग आने वाला है अगले दिनों में, मैं आज से शुरू कर दे रही हूँ। और मेरे घर पे कौन कौन आया हुआ है आप सभी को दिखाऊंगी, और नीचे मैं जाके दिखा रही हूँ आप सभी को। मेरे घर में आया हुआ है मेरा भांजा और मेरा ननद। मायके में आने के लिए उसको टाइम चाहिए था, क्योंकि मेरा भांजा का था एग्जाम, एग्जाम खत्म हो गया है, इसलिए भांजा को लेके मेरा ननद आ गई है मायके अपने। और अभी मैं यहाँ पे मिनी पिज्जा को गर्म कर रही हूँ, ज्यादा देर तक नहीं करूंगी क्योंकि 30 सेकंड के अंदर ही हो जाएगा ये गर्म, और मैं काट के दूंगी अपने भांजे को। और ये मैं लाई थी पिछले दिन मियो मोरे से, मेरा ननद जब आ रही थी घर से तब खरीद के लाई थी मेरे भांजे के लिए। अभी देखिए मेरा पति मतलब मेरा हस्बैंड ना कभी कभी ऐसा ही करता है, मतलब उसको खाना होता है तो वो ले लेता है, किसी से पूछता भी नहीं है। और अभी ये देखिए मैं यहाँ पे खा रही हूँ चिकन चीज़ रोल, जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा खाने में। उनको ऐसे ही करना होता है, कभी मैं कुछ खाती हूँ तो आके ऐसे खा लेते हैं और मुझे आता है थोड़ा थोड़ा गुस्सा, इसलिए मैं अभी आ गई थी किचन पे, आके देख रही थी क्या क्या खाना पक रहा है। तो मेरा ननद यहाँ पे भाज रही है फूल गोभी और मेरा सासुमा मसाला पीस रहे हैं। और यहाँ पे मैं ड्राइंग बुक देके गई थी अपने भांजे को और मोनो को, क्योंकि दोनों ने ना एकदम मारपीट लगा के रखे थे। और मोनो है बहुत ही बदमाश, जो अपने भैया को मार रहा था। और यहाँ पे देखिए दोनों का ड्राइंग कंप्लीट हो चुका है। मेरा भांजा ना बहुत अच्छा ड्राइंग बनाता है, अभी तो बहुत ही छोटा है। देखिए यहाँ पे इंडियन फ्लैग बनाया हुआ है, कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। और यहाँ पे मेरा ननद ने आज बनाया था सूप, तो मतलब ये ना मेरा घर में कभी कभी बनता है और मेरा ननद बनाया है आज खाने के लिए। और मेरा ननद का जो हस्बैंड है उन मेरे घर के सामने से गुजर रहे थे, तो हम मोनो का बुआ बोले कि आप आइए ज़रूर, यहाँ से जब जा ही रहे हैं अयोध्या का प्रसाद लेके जा रहे थे मेरा जीजा। तो अभी उन्होंने क्या किया, मेरा सासुमा को भी थोड़ा सा दिया है। और यहाँ पे मैं अभी बना रही हूँ फूल गोभी का पकोड़ा, जो मैं बनाऊंगी और आप लोगों के साथ शेयर भी करूँगी। आज है शनिवार, इसलिए हम लोगों का घर में बनता है भेज, सब कुछ भेज बनता है, इसलिए मैं भेज पकोड़ा बनाऊंगी फूल गोभी का। तो देखिए पहले मैं यहाँ पे बेसन ले चुकी हूँ, खावा सोडा, उसके बाद हल्दी पाउडर डाल रही हूँ, और यहाँ पे मिर्च पाउडर, उसके बाद धनिया पाउडर, जीरा पाउडर और गरम मसाला और ब्लैक पेपर, और उसके बाद डालूंगी नमक और स्वाद अनुसार चीनी। फूलगोभी का पकौड़ा जो खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और क्रंची होता है, बैचलर्स के लिए तो बहुत ही फायदेमंद रेसिपी है और सिंपल है एकदम, ज़रूर ट्राई कीजिएगा सब कोई। थोड़ा थोड़ा करके पानी डालूंगी और उसके बाद मिलाती जाऊँगी अच्छे से। और मैं कढ़ाई चढ़ा दी थी, आप लोग देखे थे कि कढ़ाई में उबल रहा था फूल गोभी, और फूल गोभी थोड़ा सख्त होता है इसलिए फूल गोभी को उबाल ले रही हूँ। जैसे जैसे इसमें डालूँगी और पकाऊँगी तेल में तो पक जाएगा जल्दी, इसलिए मैं पहले उबाल ली हूँ गोभी। और यहाँ पे मेरा बैटर रेडी है पूरा एकदम, देखिए पे। इसके बाद इसमें डालूँगी नींबू, नींबू का रस और जो दाना है मैं फेंक दूँगी। उसके बाद इसमें डालूँगी अदरक का पेस्ट, और बस इतना तक ही मैं डालूंगी, उसके बाद और कुछ नहीं जाएगा इसमें। सिर्फ ये वाला बैटर में सिर्फ ये सभी मसाला जाएगा और कुछ नहीं दिया जाएगा इसमें। और ये खाने में बहुत ही टेस्टी होता है जब पूरा पक के रेडी हो जाता है। अगर आपको शाम में कुछ खाना हो, अगर थोड़ा सा हेल्दी खाना है, थोड़ा सा भारी चीज़ खाना है, तो अब ऐसा करके चाय के साथ ले सकते हो। और कभी गेस्ट आ जाए तो अभी आप तुरंत गेस्ट के लिए ये वाला पकोड़ा बना के दे सकते हो, खाने में बहुत ही टेस्टी होता है और थोड़ा सा भारी भी होता है खाने में, और जल्दी हो जाता है 15 मिनट के अंदर ही हो जाता है। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ हरा धनिया, हरा मिर्च जो अच्छे से मैं काट ली हूँ, और यहाँ पे मैं बेसन में डुबा के और तलूँगी और इसका भी पकौड़ा बनाऊँगी जो खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। तो मैं ये बना रही हूँ अपने ननद के हस्बैंड के लिए, और यहाँ पर मेरा बनना रेडी हो गया है।
है पकौड़ा और दिखने में कितना सुंदर लग रहा है, देख रहे हो आप सब, मतलब खाने में जितना अच्छा होता है और दिखने में भी उतना अच्छा होता है। तो आप लोग ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके, और एक लाइक एक शेयर कर दीजिएगा मेरे वीडियो के लिए। मैं बहुत ही मेहनत कर रही हूँ, आप सब देख ही रहे होंगे कि हर दिन मैं वीडियो देने की कोशिश कर रही हूँ। दोस्तों इस वाला बैटर में, बेसन का बैटर में आप बैंगन का पकौड़ा, आलू का पकौड़ा भी बना सकते हो शाम के लिए। और यहाँ पे मेरा ननद का हस्बैंड बैठा हुआ है, दोपहर का खाना खा रहे हैं और ज़्यादा कुछ नहीं खाएंगे, इसलिए इतना तक कि मैं हम लोग बनाए थे घर में खाना। और अभी तो खाना खाना स्टार्ट हो गया है और बाहर में वीडियो कर रही, तो आके देखी किचन में मेरा हस्बैंड अभी बैंगन का भुजिया बना रहा है। और दोस्तों सच में बोलूँ तो मेरा नसीब बहुत अच्छा है, क्योंकि मेरा हस्बैंड खाना पका सकता है और ख़ुद बना के खा भी सकता है और खिला भी सकता है, कभी कभी तो मुझे खिला देता है। और यहाँ पर खाना, दोपहर का खाना हो गया था और मेरा ननद का हस्बैंड जा रहा है अपने घर, और जो लाए थे अयोध्या से प्रसाद वो गाड़ी में रखा हुआ था और मैं दिखाऊंगी। और अभी खाना खाना हो गया था तो हम लोग छोड़ने आ गए थे, और अभी देखिए मोनो का पापा भी आ गए उसका जीजा को छोड़ने के लिए, और जीजा जी अभी जा रहे हैं। और मेरा तो, मेरा घर में सभी का भाग्य खुल गया, अयोध्या से आने वाला प्रसाद मेरा घर में भी आ गया है और हम लोग खाए थे और अभी तो रखा हुआ है। और यहाँ पर मेरा ननद अभी छोड़ने के लिए आई थी। और दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही, और यहाँ पे देखिए ये अयोध्या से आया हुआ है पूरा प्रसाद ट्रेन में और जी जा रहे हैं अपने घर। और दोस्तों आज का वीडियो इतना तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नया दिन के साथ जल्दी। बाय बाय दोस्तों।